इस्लाम पर एतराजात, जिसको देखो, जिस भी धर्म का मानने वाला हो, फेमस होना है, शोहरत पाना है, मशहूर होना है, चलो भाई इस्लाम की किसी बात पर उंगली उठा दो, एतराज कर दो, मोहम्मद ऐसे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम की तालीम ऐसी है, इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है, नऊज़ु बिल्लाह, या इस्लाम के अंदर ये बात है, ये बात है, इस्लाम तो कत्ल करने का हुक्म देता है, इस्लाम मारने का हुक्म देता है। ओ मेरे भाई, सुनी सुनाई बातें क्यों? इस्लाम का मुताला करें, कुरान पढ़ें, हदीस पढ़ें, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ें, सहाबा की सीरत पढ़ें, सलफ सालहीन की जो हमारे बड़े स्कॉलर्स हैं उनकी सीरत पढ़ें, यकीन माने आप जो है वो इस्लाम के मानने वाले बन जाएंगे और इस्लाम को फॉलो करने वाले बन जाएंगे। और अगर ना बने तो कम से कम इस्लाम के ताल्लुक से जो आपके दिमाग में गलतफहमी है, जो मुख्तलिफ लोगों की वीडियोस और बातें सुन सुन करके, देख करके आपने जो गलतफहमी या नफरत पाल रखा है इस्लाम के ताल्लुक से और खुद को फेमस करने के लिए आप इस्लाम पर एतराज कर रहे हैं, वो सारे एतराजात आपके खत्म हो जाएंगे। तो ये दूसरा अहम पहलू है या दूसरी चीज है जिसको अपना करके लोग वो सोशल मीडिया पर अपनी वीडियोस को चमकाते हैं या फेमस होते हैं या शोहरत हासिल करने की कोशिश करते हैं, जिनको बोलना तक नहीं आता, जिनकी जबान में लुकनत है, जिनके पास अल्फाज नहीं है, या जिनके पास जरा बराबर नॉलेज नहीं इस्लाम की, जिन्होंने इस्लाम को नहीं पढ़ा, वो इस्लाम पर उंगलियां उठा रहे हैं।